हेलो गाइस, तो यार अभी मैं आया हूँ अपने पैरेट्स को साफ सुथरा करने के लिए, क्योंकि यार मैं रात को ना काफ़ी सारे भिगो गया था। मैंने कहा अपने मुर्गियों को भी खिलाऊंगा, रैबिट को भी खिलाऊंगा, रॉ को भी, रिंग नेक को भी, फिंचेस को भी, बजीज को भी, चूजों को भी, पिजन को भी, सबको खिलाऊंगा। तो यार इसलिए मैं बहुत ज़्यादा भिगो के चला गया था अब, लेकिन ना ये बासी हो जाएगी। तो अभी अभी यार इनको ये डाल देते हैं, फिर आएंगे हम शाम को, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। देखना यार काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाए, तो यार इसको पहले धो के इन सबको डाल देते हैं, फिर कुछ करते हैं। शादी पर खाना आता है ना, और उसके थोड़ी देर बाद आवाम की हालत होती है, मैं आपको अब वही हालत दिखाता हूँ। मैं इन सबको साफ सुथरा दी, पागलपन जिसे कहते हैं, और यार तुम नहीं खानी है, तुम्हें मिल जाएगी बाद में, खा लेना, लेकिन नहीं अभी खाओ। सर ये देखो, एक प्याली में जितने आ सकते हैं आए पड़े और डर गए हैं। देख लो वो सारे पलटे पड़े हैं, हालांकि यार इन्हें से गंदम खाई भी नहीं जाती है, बहुत छोटे छोटे पीस गंदम नहीं खाई जाती। अब आहिस्ता आहिस्ता इनके आदत बनती जा रही है, और ये देखिए इन्होंने खाना भी स्टार्ट कर दिया। आप देखिए कोशिश कर रहे हैं खाने की। इधर से हमारे पिजन, डक और कोयल के मजे हुए पड़े हैं। पता क्या है यार, मैं डालता हूं उनको साफ फूड, तो कुछ कुछ ना उनमें से लेकर ना यहाँ पर आ जाते हैं, फिर आके खाते हैं। तो वो जो नीचे गिरता है ना बाकिया, वो देखें ये आराम से बैठ के खा लेते हैं। हमारे डक भी, पिजन भी, कोयल भी, इनके मजे हो जाते हैं। फिंचिस ने नीचे लैंड नहीं किया, क्योंकि यार अभी मैं ठहरा हूं ना, फिंचिस डरती बहुत है। अब जब ऊपर से वो दाना गिराएंगे ना, फिर जब नीचे आएंगे तो अपनी साफ फूड भी खाएंगी, फिर ऊपर वालों को भी खाएंगी। यार गाइस नेक्स्ट डे हो चुका है, और यार मैं अभी अभी आया हूँ ऊपर, उस वक्त हम नीचे चले गए थे, और अभी अभी ये देखे मैंने डाले हैं आम के छिलके। यार आप आवाज़ सुन रहे हैं, पीछे ना बांदरी वाला आया हुआ है यार, उसका डांस देखने का बड़ा दिल करता है मुझे। लेकिन यार फिर मैं बाहर जाता ना, वो कहते पैसे दो। तो यार गाइस कल शाम को तो मैं तोता वगैरह को तो कर गया था, लेकिन यार मुझे थोड़ा सा चांस है कि अब आज हमारी इस वाले डब ने अंडा नहीं दिया। यार कब दोगी, कब दोगे अंडा? मुझे तुम्हारे अंडे का इतना इंतजार है, मुझे तुम्हारे अंडे का इतना इंतजार है, मैंने पकाना है, उसे तवे पर तलना है। हाय हाय हाय, मैंने पराठा भी बनवा के रखा हुआ है, मैंने कहा तुम अंडा दोगी उसको तल के खाऊंगा, तुम अंडा नहीं दे रही। पर जब से हमने पंप लगाया ना, उसी दिन से मैं यार यही देख रहा हूँ कि जो हमारी फिशेज है ना, जब एक जगह पर रुकती नहीं है, यानी कि पूरा दिन हरकत में रह जाती है, जब यहाँ पर ऐसे यानी कि घूमती रहती है। लेकिन यार गाइस पहले ना एक ही जगह पर पड़ी रहती थी, ये देखे आप कैसे ये सारे यानी कि मूविंग करते हैं। अभी यार धूप आ रही है, इसलिए सही नजर नहीं आ रही। ये देखो यार जहाँ से फिर भी कुछ कुछ नजर आ रही है, देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 मछलियाँ। तो यार गाइस न्यू बोर्न बेबी देखते हैं कैसे हैं हमारे बेबी। बनीस कैसे हो, हाउ आर यू बेटा, आर यू ओके? माशाल्लाह यार दोनों ही ठीक है, और दोनों देखे बिल्कुल फर्क इतना हुआ पड़े हैं, वाइट वाइट खा रहे। यार गाइस क्या खा रहे, और उसके पीछे सारी दुनिया लगी पड़ी है, वो क्या चीज़ है वो देख, चोर ना हो तो उससे खींच के भाग गए। अच्छा टमाटर है यार, टमाटर है ना, हाँ टमाटर है, टमाटर के पीछे इतने पागल हुए पड़े हैं। तो यार गाइस अभी मैं अंदर गया था, मैंने देखे हमारे भजीज की खुराक बिल्कुल बिल्कुल खत्म ही पड़ी है, सफ़ा चट भी पड़ी, हालांकि कल मैं उसे डाल के गया था। असल में यार पैर भड़ गए हैं, तो ऐसे है कि खुराक मैं डालता हूँ खत्म हो जाते हैं, डालता हूँ खत्म हो जाते हैं। जिस दिन साफ फूड ना मिले ना, उस दिन तो जितना भी बाजरा पड़ा ना सारा खा जाते हैं ये। तो यार यहां से निकाल लेते हैं इनके लिए बाजरा काफ़ी सारा, क्योंकि यार बारिश थी ना, मैंने कम डालता था, मैं कहता था यार बारिश है, पहले भी बारिश है, ऊपर से फिर बाजरा खिलाए इन्हें हम। तो यार ये डालते हैं, खो 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 खो, भूखे हो ना, भूत ना दिया ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरी कोयल अंडा देना है, लेकिन मुझे देख के ना भाग गई है। तो यार गाइस अब मैं जा रहा हूँ भजीस के अंदर, और उस बच्चे को निकाल के ना, जोर गाइस इन्होंने ना मुझे ना चोट मारी है, बिल्कुल इंतजार नहीं करना यार मैंने। अब मैं जा रहा हूँ बस भजीस, जितना दिया ना, बेचक छोटा सा भी आना, बेचक अभी पैदा भी हुआ ना, तो यार उसको निकाल के बाहर फेंकते हैं, और यार ढोले उतारते, गर्मी आ गई है यार। यार मुझे ना इतना इन पर इतना तरस आता है, लेकिन ये है कि इन्हें समझ नहीं आती कि हमने करना क्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देखें, 8 अंडे अंडे दोबारा दी पड़े। वो तुम्हें मैंने कहा नहीं था कि तुम अंडे नहीं देने, तुमने समझ नहीं आती तुम्हें, अब तुम्हारे जब सारे अंडे बाहर फेंकूंगा ना, फिर तुम्हें पता चलेगा। तो यार ये देखें, इसमें कल एक अंडा था, दो हुए पड़े, ये देखें ये दो फीमेल्स, ये देखें इन्होंने भी 3 अंडे दिए हमें, इसके अलावा इसने भी, और इसके अलावा चलो भाई बहुत है यार। देखें ना अब इसके पार आ गए, और इसकी गर्दन वाली जगह थोड़ी सी गंजी है, तो बस ठीक है यार। आ जाओ अब मम्मी तुम्हारी आके तुम्हें नीचे आके फिट करवा जाएगी, चलो निकलो 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 निकलो, फुट जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है। शाबाश माशाल्लाह यार एक्टिव है गाइस, यार मैं समझ रहा था एक्टिव नहीं है, माशाल्लाह यार ये देखे एक्टिव है और फुल है, ये देखे चल भी पा रहे हैं, बस हमें ड्रामे कोर्स है। कल मेरा बिल्कुल सही अंदाजा था कि इसको और फीमेल ने ना रिश्वत दी होगी कि तुमने हमारे ढोने उतरने से रोकना, हम तुम्हें इतने पैसे देंगे। तो वो ये देखे यार बिल्कुल एक्टिव है, बाहर भी निकल सकता था, क्योंकि यार जो ढोली है ना वो ना यूँ लगी हुई, जो साइड है ना वो यूँ लगी हुई थी, तो इसका मतलब आराम से निकल सकता था, बट
रिश्वत जो ली हुई थी, आप काम तो नहीं करना था ना। तुम्हारी मम्मी को कहूंगा तुम्हें नीचे आके ट्वीट करवा के जाए, ठीक है ना। तुमने आराम से नीचे बैठना, यहीं पर खाना यहीं पर, पिज्जा मंगवाना सब कुछ यहीं पर, फूड पड़ने वाले को भी कह दूंगा, तुम्हारा एड्रेस बता दूंगा, ठीक है, यहीं पर आकर तुम्हें सब कुछ पहुंचा जाएगा। गाइस इसकी माँ भी दोबारा अंडा देने वाली है, मैंने कल देखा था वो ना धूम हिला रही थी बैठ के, मुझे लग गया था कि यार वो दोबारा नया अंडा देने वाली है। और देख लेते हैं किसी नमूने का, कोई नमूना तो नहीं निकाला आया, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, और इसके अलावा यहाँ पर भी नहीं है। और अब एक गोली जाएगी हमारी, वो है गोली नंबर 9, वो उधर वाली, और है गाइस इसमें भी नहीं है। तो यार ये अच्छा हो गया किसी ने भी अभी तक बच्चा नहीं निकला, और मैंने बच्चे को बाहर निकाल दिया। और यार गाइस हम शाम का ऐसा करेंगे, अभी तो यार बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यार गाइस बच्चे को मैंने बाहर निकाल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो काम इतने अरसे हमने कर रहा था, बच्चे को बाहर निकाल दिया। आज इसका साइज जितना हो गया कि ममता इसके नीचे आकर इसको खाना खिला देगी। और यार गाइस अब ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो शाम को आकर मैं इनकी डोलियाँ उतार लूँगा, और कल ना ही आपको एवरी ना बिल्कुल खाली मिलेगी। हमारी गाल पर क्या हुआ है, तो मैं किसने थप्पड़ मारे हैं यार। गाइस मैंने ना कुछ ईंटे रखे ना यहाँ पर, ना मट्टी वाला बर्तन रखा था उसके ऊपर, मैंने कहा यार कि ना इनको ठंडा ठंडा महसूस होगा। तो एक बनिया ऐसा है हमारा जो सिर्फ उसी के साथ बैठ रहा था, और ये नहीं यार सिर्फ धूप में बैठे, ये पूरा दिन यानी कि सुबह शाम इसी के साथ बैठ रहे थे, मैं आपको दिखाता हूं। बाकी जो है ना वो कभी कभी आते हैं, कभी इसके पास कभी इसके पास, लेकिन ये जो नमूना है ना, ये वाला नमूना हमारा, इसकी यही जगह कन्फर्म है, यहीं पर बैठ रहता है। ये है भी छोटा वाला बन गया ना, खून ना मारना यार, ये देखें ये यहीं पर बैठ रहे थे। अब ये मेरे ख्याल में अपने छोटे भाइयों को भी यही तरकीब कर रहा होगा कि आपने बड़े होकर यही बनना है ना। मटके में होता है ना, तो मटके में यार ये पैदा होने के ना तकरीबन यार गाइस 10 दिन बाद, मैंने ये अंदाज यानी कि एक नोट किया था एक बार, 10 दिन बाद ना ये बच्चा बाहर निकल आता है। और 10 दिन बाद जब बाहर निकल आता है तो उसके बाद जब बाहर आ जाते हैं, ये देखें आप, देखें ना ये आराम से बैठे और बैठ के खा रहे, और इसमें कुछ करना ही नहीं है यार, खाना है खाना है खाना है खाना है खाना है, जो इसको नीचे कर देते हैं यार, इसमें बारिश वगैरह ना चले जाए। हाँ आप ठीक है यार, ये देखें लाइन में देखें कैसे बैठे हूँ मैं, शाबाश यार। मैं गाइस अभी अंदर जा रहा था, मैंने कहा यार फिंचिस को जाके ना इनका नेस्ट चेक करता हूँ, डोल नंबर 12-13, मैं आपको बताया था ना कि यार 12-13 में मुझे चांसेस लगते हैं बच्चे के, लेकिन यार मैं अंदर नहीं गया, पता यार क्यों, पहले मैं अंदर गया था ना एक बार, तो यार यहाँ पर जो हमारी डोलियाँ थी ना ये वाली, इनकी जो फीमेल थी ना वो ढर गई थी, वो पता नहीं अब कहाँ पर है, या यही भी हो सकता है कि यही वाली फीमेल वहाँ पर घर बनाई पड़ी, लेकिन यार अब वो यहाँ पर नहीं आती। अब मैं यह कहता हूँ यार अब अंदर गया तो ये ना वहाँ से भी डर जाए, बड़ा यार अंदर बैठे हुए हैं, 12 में हर वक्त यही मेल बैठा होता है, 13 में भी हर वक्त यही फीमेल बैठी होती है। बोल ले बोल ले, अब तू छोटा मुर्गा है। मेरे बजीज का भी ऐसे था, वो ना वोट रहते थे, कि जब मैं शुरू शुरू में जाता था ना डर जाते थे, डोलियों के अंदर दोबारा नहीं जाते थे, लेकिन बाद में इनकी ऐसी आदत बनी है ना, अब मैं जाकर ठहरा रहा तो उन्हें पता है कि इसने आना ही आना है, अब वो नहीं डरते यार। तो यार इनकी भी ऐसी आदत बनवानी पड़ेगी ऐसा ऐसा, लेकिन अभी फिलहाल ये थोड़ा सा एडजस्ट है, फिर एक बार जाएंगे, फिर हफ्ते बाद दोबारा जाएंगे, फिर 3 दिन बाद दोबारा जाएंगे, फिर रोजाना जाएंगे, फिर एक दिन में 3-3 बार दोबारा जाएंगे। तो यार मैं यार ये सोच रहा था कि हमारे ये वाली जो फिंचेज है ना छोटे वाली, तो यार अब इनके तकरीबन बार इतने हो गए हैं कि हम इनको अपने उन फिंचेज के साथ छोड़ दें, लेकिन वो इस टाइम नेस्ट बना रही हैं, तो उनके ये बाल नोस नोस ना अपने नेस्ट बनाएंगी। कैसे फिंचेज की आदत गंदी, यानी कि ये बना रही होता है ना जब नेस्ट अपना, तो इसे जो भी नेस्टिंग मटेरियल मिले या ना मिले, तो ये नेस्टिंग मटेरियल यानी कि खुद ब खुद ही दरियाफ्त कर लेगी। अब अगर छोटी जैसे छोटी फिंचेज है ना, तो अगर इसने इनके यानी कि देख लिया होंगे, तो इनके वो बल पर नोट नोट के ना अपना घर बनाएगी इस तरीके से यार जो बनाती हैं, यानी कि कुछ भी ये सिर्फ अलग ठहरा हुआ है, लेकिन अब ना इनमें से काफ़ी सारों के बाल ऊपर से पूरे हो गए, लेकिन ये देखिए जैसे अब ये व्हाइट वाली फिर रही है, इसके बाल ऊपर से नहीं है, और इसके अलावा एक दो और भी फिंचेज है ब्लैक वाली में, जैसे ये वाला मेल बैठा है हमारे पास, इसके भी नहीं है बाल। तो यार यही थोड़ा सा मुझे डर है कि यार इन बेचारों को मार ना डाले, यही ऐसे ही पूरी होती है ना, इनका साइज देखे ना, देखे माशाल्लाह कितनी बड़ी बड़ी है, और इनके मेरे से कोई भी ऐसी नहीं है जिसके बाहर ना हो, तो इनमें से आपस में लड़ाई भी नहीं पड़ती। जब आई बैठी होगी ना एक नंगी वाली, तो वो कहेगी ये हमारा नेस्टिंग मटेरियल है, तो उन पर इन्होंने टूट पड़ना है, बताओ मजा आ रहा है यार। वो देखें वो बच्चा बैठा हुआ है गंद के अंदर, गंद बना बैठे तो यार कहते अब ये आराम से बैठे, अब थोड़ी देर बाद जाली पर चढ़ना स्टार्ट कर देगा, अभी से ये इतने ऐसे हो जाएंगे कि यार ये जाली पर चढ़ना स्टार्ट कर देगा, फिर जाली पर चढ़ के ऊपर गया बैठा होगा, बाहर छोड़ देना अब ये 2 दिन के अंदर ये इतना ऐसे हो जाएगा कि यार अगर इसको कोई मारने लगेगा तो ये उड़ जाएगा, कोई कुछ कहने लगेगा तो इससे यानी कि इतने अपने एक्टिव होगा, लेकिन अगर अब मैं ना इसको ऐसा करूँ ना, तो फिर यार ये अंदर पड़ा पड़ा एक्टिव नहीं होगा यार, अब इसे निकाल दे तो अब इंशाल्लाह यार जल्दी एक्टिव हो जाएगा। तो यार गाइस अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को निकाल दिया, आज शाम को यार मैं डोल लेता दूंगा, क्योंकि अभी ना ये देखिए पसीना देखे मेरा, तो कल आपसे यार इंशाल्लाह ना आपको ये एवरी खाली मिलेगी और लेवल की एवरी मिलेगी, और फिर हम अपने तोते भी गिनेंगे, मैंने अब तक अपने उस एवरी के तोते नहीं गिने, तकरीबन 10 पेयर है, लेकिन तकरीबन 10 पेयर है ना 100% कंफर्म नहीं है कि यार 10 पेयर है, कुछ मेरे ख्याल में एक दो पीछे ऐसे उनको हम निकाल के उड़ाएंगे नहीं, इनके साथ छोड़ देंगे। तो ठीक है गाइस, आज के लोग यहीं पर खत्ते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट में न्यू एक्टिविटी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो यार अभी मैं दाना पानी करना चाहता हूँ, सारा भी करते हैं, पहाड़ी की खुराक भी खत्म हो पड़ी है, इसके अलावा हमारी बजीज की भी खुराक खत्म हो पड़ी है।